स्वागत आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं ताबिश शजाई। पहले इस वक्त की हेडलाइंस। उद्धव ठाकरे ने ली महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ। तीनों दलों से कुल 6 मंत्रियों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद लिया बप्पा का आशीर्वाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उद्धव को दी बधाई। पीएम मोदी ने भी भेजा बधाई संदेश। रामदास अठावले का सनसनीखेज खुलासा। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में कहा, महाराष्ट्र में थी ऑपरेशन लोटस की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं बन पाई सरकार। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में उठाया व्हाट्सएप ऐप हैकिंग का मुद्दा। चुनावों में गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। सूचना एवं तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, निजता और सुरक्षा के बीच कोऑर्डिनेशन बड़ी चुनौती। और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थमा। 30 नवंबर को 13 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में पहली बार ठाकरे परिवार से कोई सीएम बना है। गुरुवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी महाराज को नमन करते हुए मराठी में शपथ ली। उद्धव ने बोला, बाला साहब ठाकरे को भी साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने जनता का झुककर अभिनंदन किया। उद्धव के साथ तीनों दलों के नेता, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के दो दो विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कुल 6 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शिवसेना के कोटे से एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई ने शपथ ली। इसके अलावा कांग्रेस से बाला साहब थोराट और नितिन राउत मंत्री बने। एनसीपी के कोटे से छगन भुजबल और जयंत पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई का शिवाजी पार्क खचाखच भरा हुआ था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले, एनसीपी नेता अजीत पवार, शिवसेना नेता संजय राउत, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत कई बड़ी हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद थी। और ये 7 तस्वीरें हम आपको विंडोज में दिखला रहे हैं। एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई जो शिवसेना कोटे से हैं, बीच में उद्धव ठाकरे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा एनसीपी कोटे से जयंत पाटिल और छगन भुजबल, वहीं कांग्रेस कोटे से वरिष्ठ नेता और प्रेजिडेंट कांग्रेस महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष बाला साहब थोराट और नितिन रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे देतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक अशुद्ध रीतीने पार पाडली आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उलट करणार नाही।
तो उद्धव ठाकरे ने आज सीएम पद की शपथ ली है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने पर उद्धव ठाकरे को बधाई। मुझे भरोसा है कि वो महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए खूब मेहनत से काम करेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। पीएम मोदी ने उन्हें सीएम बनने की बधाई दी थी। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भी दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे परिवार के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। गणपति बप्पा के दरबार में उद्धव ठाकरे ने हाजिरी लगाई। पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटे आदित्य ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन गई। शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। हर तरफ शिवसैनिक, कांग्रेसी और एनसीपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की तस्वीर। महाराष्ट्र में पूरी रात भर जश्न चलने की उम्मीद की जा रही है। मुंबई की सड़कों पर शिवसैनिक, कांग्रेसी और एनसीपी के नेता, कार्यकर्ता सभी सड़कों पर उतरकर इस पल का जश्न मना रहे हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले महाविकास अघाड़ी वाले तीनों दलों के गठबंधन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया। इसमें किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, महिलाएं, शिक्षा पर खास जोर दिया गया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज तुरंत माफ करने का वादा किया गया। नई फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। राज्य में नौकरी में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण देने के लिए कानून लाया जाएगा। राज्य के खाली पड़े सरकारी पदों को जल्द भरने का वादा किया गया है। इसके साथ साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सेक्युलर शब्द पर तीनों दलों ने सहमति जताई है। नई सरकार महिला सुरक्षा पर जोर देगी। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों और जिला मुख्यालयों में वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। राज्यसभा में गुरुवार को व्हाट्सएप जासूसी कांड पर विशेष चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावों में इसका गलत इस्तेमाल किया। दिग्विजय सिंह ने पूरे मामले की जेपीसी जांच कराने की मांग भी की है। माननीय मंत्री जी सदन को बताएं कि व्हाट्सएप के मार्फत किस किस व्यक्ति का फोन हैक हुआ था, कौन कौन से पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, सांसद, पूर्व मंत्री, जज और सरकारी अफसर थे जिनका फोन हैक हुआ है। सरकार ने जो किया है वो कुछ ऐसा है, कोई चोरी हुई, चोर ने किसी को गाड़ी इस्तेमाल की, चोर का पता भी है, लेकिन पुलिस सारी पूछताछ गाड़ी के मालिक से कर रही है। चोर जिसका नाम पता मालूम है उससे पूछने की हिम्मत नहीं है। सबसे जरूरी दो सवाल है। सरकार अभी तक दावा करती उसे कुछ नहीं मालूम है। आज ही की मीडिया रिपोर्ट अनुसार केवल व्हाट्सएप ही नहीं, गूगल का इस्तेमाल भी सर्वेलेंस के लिए हुआ है। गूगल ने साफ साफ कहा कि करीब 500 भारतीय यूजरों को गवर्नमेंट बैक अटैकर्स ने टारगेट किया है और उनके अकाउंट हैक किए हैं। ये खुलासा गूगल की अधिकृत एजेंसी थ्रेट एनालिसिस ग्रुप TAG ने किया है। अब इस सरकार पर को सफाई देना चाहिए। आखिरी सवाल, मेरा आरोप है कि आखिरी के सरकार को पूरे मामले का पता था, उसके टॉप लीडर्स को सब जानकारी थी, बाकायदा प्लान करके पेगासस खरीदा गया, गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हुआ। खुद माननीय गृह मंत्री ने फेसबुक कंपनी जो व्हाट्सएप की ओनर है उसके भारत में सर्वोच्च अधिकारी के साथ कई महीने पहले मीटिंग की थी और पेगासस स्पाईवेयर के बारे में पूरी चर्चा की थी। मेरी सरकार से मांग है कि उस मीटिंग के मिनट सरकार को सदन में साझा करें। मेरी मांग है कि सरकार के मिनट्स और फेसबुक कंपनी के बनाए मिनट्स को दोनों सदन के सामने रखे जाएं ताकि सरकार अपने मिनट्स को एडिट कर सदन को गुमराह न कर सके। और अगर माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय सुरक्षा के कवच के पीछे छुपकर सदन के जानकारी छुपाना चाहते हैं तो मेरी सभी पार्टियों से अपील है कि इस संवेदनशील मामले पर JPC का गठन किया जाए और इसकी जांच करें, क्योंकि हमारी फंडामेंटल राइट और नेशनल सिक्योरिटी जुड़ा हुआ है। वहीं केंद्रीय सूचना और तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी आतंकी को निजता का अधिकार नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा और निजता के बीच समन्वय बनाना बड़ी चुनौती है। IT एक्ट में सब प्रोविजन है जिनको शिकायत चाहे वो कर सकते हैं। सेक्शन 66 में 5 लाख का फाइन है, 3 साल की सजा है, आप FIR कर सकते हैं।
सेक्शन 66, सेक्शन 66 ए टू ई, इफ इन केस योर प्राइवेसी इज ब्रीच्ड, नॉट इवन ए सिंगल एफआईआर हैज बीन फाइल्ड टिल डेट अंडर इंटीमेशन टू अस, नो कॉम्प्लेन मेड टू अस इन द आईटी मिनिस्ट्री टिल डेट बाय एनीवन, बट सडनली वी फाइंड द नेम्स कम्स इन द मीडिया एंड देयर आफ्टर इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू. अभी तक व्हाट्सएप ने हमें 121 नाम नहीं दिया है. और सर हमारा दृष्टिकोण बहुत ही साफ है, जिसको भी शिकायत है वो केस करे, डैमेज ले 5 लाख, 3 साल के लिए जेल भिजवाए, भारत सरकार उस इंक्वायरी में पूरी मदद करेगी. इस बीच गूगल जासूसी को लेकर बड़ा खुलासा किया. गूगल ने कहा है कि उसने 500 भारतीयों समेत दुनिया भर के 12,000 लोगों को सरकार के इशारे पर हुए साइबर हमले की जानकारी दी है. गूगल के मुताबिक ईमेल हैकिंग की ये कोशिश इस साल जुलाई से सितंबर के बीच हुई. गूगल के थ्रेट एनालिसिस ग्रुप के सैन हैंटली ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए ये बताया है कि दुनिया भर के 149 लोगों के ईमेल को हैक किया गया है, उनकी जानकारी एकत्रित की गई है. और बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान को लेकर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ. विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर प्रज्ञा के बयान पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन नोटिस कर दिया. साथ ही विपक्षी दल प्रज्ञा ठाकुर की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि विवादित बयान देने की उनकी आदत है, लेकिन इस बार लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने गौडसे को देशभक्त बताकर सारी हदें पार कर दी. ऐसे व्यक्ति को संसद सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं. वहीं टीएमसी ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को भारतीय मूल्यों के खिलाफ बताया. वहीं दूसरी ओर लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया और विरोध में वॉकआउट किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि गौडसे को देशभक्त बताना निंदनीय है. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा महात्मा गांधी की हत्या करने वालों को देशभक्त बताया जा रहा है, ये सरकार नाथूराम गौडसे पंथी है. ये सदन के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता की जो हत्याकारी है वो हत्याकारी को देशभक्त कहलाता है. ये सदन का चुप रहेगा, ये सरकार का चुप रहेगा, ये सरकार को खुल कर कहना चाहिए ये नाथूराम गौडसे पंथी है, ये गांधी पंथी है. आप इंदिरा गांधी को हड़पना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हड़पना चाहते, अभी महात्मा गांधी को हड़पने का कोशिश कर रहे हैं. सारे दुनिया इनका निंदा करते है, सारे हिंदुस्तान इनका निंदा करते है. सरकार को इस पर बयान देना चाहिए, सरकार को खुला फिर चाहिए. वो गौडसे पंथी है या वो गांधी पंथी है? गांधी को इस्तेमाल करना, सियासी इस्तेमाल करने के लिए ये खराब है, लेकिन हत्याकारी को मदद देते हैं. ये सारे नतीजा निकला. उनके बयान और नौटंकी से कोई लेना देना है नहीं. ये सांसदों की संसद है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद है. ये गौडसे की संसद नहीं है, ये गांधी की संसद है. यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करने वाले को सदस्य रहने का हक नहीं है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने वाले को संसद का सदस्य रहने का हक नहीं, इसलिए हमने कार्रवाई की मांग की. वहीं लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नाथूराम गौडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, हम उन्हें देशभक्त मानने की सोचकर की निंदा करते हैं. उन्होंने कहा महात्मा गांधी हम लोगों के आदर्श हैं, वे पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी रहेंगे. राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी है और आगे भी रहेगी. नाथूराम गौडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडम करती है, हमारी सरकार भी कंडम करती है. जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे. और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी. उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर बड़ा हमला किया। उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी बताया। राहुल गांधी ने कहा, आतंकवादी प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त बताया। भारतीय संसद के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। हम आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी हैं और फिलहाल बेल पर बाहर हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सच्चाई सामने आ रही है और उनके मन में जो है वही प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है। That's the heart of the BJP, na? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? I'm that's the heart of the RSS. वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। वहीं बीजेपी ने गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर कड़ी कार्रवाई की है। प्रज्ञा को रक्षा मामले की परामर्श समिति से हटा दिया गया है। इसके साथ ही अब वो संसद सत्र के दौरान होने वाली बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। प्रज्ञा के विवादित बयान से बीजेपी हाईकमान नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन नाराजगी तो तब होती जब उन्हें पार्टी से और सदस्यता से निकाल देना चाहिए। गुरुवार को संसद में हुई बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रज्ञा पर बड़ा और कड़ा एक्शन लेकर साफ संदेश दिया गया है कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की कमेटी से हटाने की सिफारिश की है। जेपी नड्डा ने प्रज्ञा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि पार्टी कभी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकती है। द स्टेटमेंट गिवन बाय द मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर यस्टरडे इज कंडेमनेबल। भारतीय जनता पार्टी नेवर सपोर्ट्स सच स्टेटमेंट एंड वी डू नॉट सपोर्ट दिस आइडियोलॉजी। We have decided that she'll be removed from the consultative committee of defense and in this session she will not be allowed to participate in the parliamentary party meeting. We are very clear about it that we condemn her statement and we do not support this ideology. Ek break ke liye ruk rahe hain, foran hazir hote hain. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2602। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को आर्थिक मंदी और गिरती अर्थव्यवस्था का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर्स और RBI रिजर्व्स लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि LIC होल्डर्स का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोगों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण ऐसे सभी हमारे पब्लिक सेक्टर और RBI से ये रिजर्व्स लेकर और अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि पॉलिसी होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है इसमें LIC में पॉलिसी होल्डर, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज हालात ये हैं कि अविश्वास बढ़ता जा रहा। आपको बता दें कि बुधवार को राज्यसभा में अर्थव्यवस्था पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि विकास दर में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी तक मंदी का माहौल नहीं है और मंदी कभी नहीं आएगी। वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार से तुलना करते हुए NDA सरकार में देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बताया था। ग्रोथ में हैव कम डाउन बट इट्स नॉट अ रिसेशन येट और इट वोंट बी अ रिसेशन एवर।
And therefore, yes, ma'am, I did say that. So, consciously, all of us have to rise above, because economy also has a very big foundation in sentiments. This house should have confidence, and this house shall have the confidence when I give all the data before you. So I'm quoting some of the macroeconomic data. And here, I'm quoting based on the sum and also the last year's performance of UPA 2 and NDA 1, which is the period related to 2009-14 and 14-19. So India's real GDP growth was at 6.4 at the end of 2009-14 five-year rule, whereas between 14 and 19, it was at 7.5. झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 13 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। 13 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी। इन 13 विधानसभा सीटों पर 189 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण की 13 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और एक सीट पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। वहीं बाबूलाल मरांडी की पार्टी JVM ने सभी 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। बात विपक्षी गठबंधन की करें तो पहले चरण की 13 सीटों में से कांग्रेस ने 6, JVM ने 4 और RJD ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। 2014 में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 6, JVM 2, JMM और कांग्रेस एक एक सीट पर जीती थी। आपको बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पहले चरण में 30 नवंबर को 13 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 7 दिसंबर को 20 सीटों पर मतदान। तीसरे चरण में 12 दिसंबर को 17 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में 16 दिसंबर को 15 सीटों पर वोटिंग होगी और 20 दिसंबर को पांचवें और आखिरी चरण में 16 सीटों पर मतदान होगा। 23 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। और खबर हरियाणा से, जहां बीजेपी और JJP यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार तो तकरीबन एक महीने से चल रही है, लेकिन अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई बात नहीं हुई है, जिस वजह से कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। और इसके चलते चंडीगढ़ में बीजेपी और JJP की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी की तरफ से अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़, कंवरपाल गुज्जर और JJP की तरफ से अनूप धानक और राजदीप फोगाट बैठक में शामिल हुए। बैठक करीब 2 घंटे चली और दोनों दलों के घोषणा पत्र पर चर्चा की गई। इसी मुद्दे पर अब अगली बैठक 15 दिन बाद होगी। पहली बैठक में हमने जो सारे दोनों घोषणा पत्रों के पॉइंट्स हैं, उन सारों पर हमने चर्चा की है और इन सब का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा हर पॉइंट का और लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, वो दोनों जानने के लिए हमने अधिकारियों को कह दिया, वो भी बैठक में शामिल थे और 15 दिन के अंदर अगली मीटिंग बुलाने का हमने फैसला किया। मध्य प्रदेश सरकार जन जन तक जल पहुंचाने के लिए जी जान से जुटी है। कमलनाथ सरकार में मंत्री स्वदेश पांसे ने कहा कि शिवराज सरकार ने नल जल योजना खस्ताहाल में सौंपी थी, लेकिन अब कमलनाथ सरकार में इस योजना पर काफी काम हो रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शीतकालीन सत्र में राइट टू वाटर बिल पेश किया जा सकता है। जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल हुआ कार्य संभाला, उस दिन से शिक्षा की गुणवत्ता की बारे में स्टेप लेने का काम किया, राइट टू हेल्थ की बात की, स्वास्थ्य की बात की, पानी के अधिकार सौंपने की बात की, तो कहीं ना कहीं अब 1 साल में आपको काम नजर आ रहा धरातल पे, इसके परिणाम सामने आने लगे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के मुताबिक प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि अभी सरकार स्वास्थ्य को लेकर कई चुनौतियों का सामना भी कर रही है। मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों के साथ उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी हर तबके, हर वर्ग के लोगों का बेहतर इलाज हो, इसके लिए विभाग उचित व्यवस्था कर सकता है। NM की कमी, स्टाफ नर्स की कमी, पैरा मेडिकल की कमी है। इस चुनौती को इस सरकार ने स्वीकार किया है, क्योंकि हमारा जो हमने वचन दिया कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी
देने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्याज और लहसुन लोगों के आंसू निकाल रहे हैं। गोरखपुर में प्याज की कीमत 100 के पार और लहसुन की कीमत 200 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई। ऐसे में आम और ख़ास सभी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई से परेशान जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और चांदी का वर्क लगे लहसुन और प्याज पर अगरबत्ती दिखाई, मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि मार्च भी निकाला। लगातार 6 महीने से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, लहसुन और प्याज के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि ये गरीबों और आम लोगों की समर्पित सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की ये जो सरकार है बीजेपी की, वो उद्योगपतियों की समर्पित सरकार है, क्योंकि इनको आम लोगों की समस्या से लेना देना नहीं है। कैसे BSNL, एयर इंडिया और तमाम चीज़ों को बेच के कैसे अपने उद्योगपति मित्रों को आर्थिक फायदा पहुँचाया जाए, उस पर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। 1 लीटर दूध और 81 बच्चे, अब जरा हिसाब लगाइए कि एक बच्चे के हिस्से में कितना दूध आया होगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये खबर सामने आई है। लिहाजा जिले के सलाई बनवा प्राथमिक विद्यालय पर मिड डे मील में 1 लीटर दूध और 81 बच्चों में बांटा गया। दरअसल मिड डे मील के तहत बच्चों को दूध भी दिया जा सकता है। नियमों के मुताबिक एक बच्चे को 200 मिलीग्राम दूध देना होता है, यानी कि इतना ही कम आएगा जितना कि एक बच्चा आधा कप या एक कप पी पाए। लेकिन यहाँ 1 लीटर दूध में 81 बच्चों को दूध बांटा गया। तो ये आपको गणित अगर आप समझ पाए तो UPSC में आपको काम भी आएगा, और ये सवाल अगर पूछा जाए तो फिर आपके पास जवाब ये होगा कि एक बाल्टी में 1 लीटर दूध मिलाइए और सभी बच्चों को पिला दीजिए, और यही यहाँ भी किया गया। तो बच्चे को दूध पिलाया गया या पानी, लेकिन ये खबर आने के बाद मामले की जाँच करने पहुँचे ABSA मुकेश कुमार ने शिक्षा मित्र को स्कूल से कार्यमुक्त कर दिया। सर दूध है पैकेट रहा तो बनवा लगे, हाँ तो सर लोग दही बना दो तो बना दिए। कौन कहा बनाने को? सर कौन सर? ये जितेंद्र टिकाना। जितेंद्र क्या है वो यहाँ पे? अब आए हैं पढ़ाने, भी यही हम पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक पैकेट रहा सर लोग चल दिए हैं, दूध नहीं ले रही है। एक पैकेट रहा तो एक पैकेट में कितना पानी मिलाई? एक पैकेट में एक बाल्टी डाले। एक बाल्टी सर दूध तो 1 लीटर पहले से था, अब दाई लोगों को मालूम नहीं था, इसलिए सर भाई थे लेने डाला, तो बाद में लेकर आए तब तक यहाँ भाई गर्मा दी थी। 1 लीटर था, कितने बच्चों को पिलाया उसमें? दूध की अनुपलब्धता के कारण शासनादेश है कि जो दूध जो अनुमन्य है खाद्य पदार्थों में पैकेट का, उसको पानी मिला के उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है एक संतुलित मात्रा में जल का। तो इत्तफाकन एक ही डिब्बा था, वो चले गए थे अध्यापक, जैसा कि मुझे बताया गया है। अभी जो बयान इन लोगों का मैं लूंगा और अन्य पहलुओं पर भी जाँच करूंगा, तो वो इत्तफाकन लेने गए थे। इसी बीच जो है कुछ यहीं के लोग इस चीज को जो है पानी मिला के या कैसे ज्यादा उस चीज को मीडिया में देना या उसको फोटो खींचना, खींच के मीडिया में देना, इस तरीके की। तो क्या लगता है, क्या सोची समझी रणनीति के तहत करवाया गया? ये मैं नहीं कर सकता, ये जांच उपरांत, और जो भी अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तो इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। तमाम खबरों को विस्तार जानिए, लॉग ऑन कीजिए newsplatform.in। चलते रहिए स्वराज के साथ। नमस्कार। We'll be right back.